बेगूसराय में सीपीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बिहार में हो रहे जमीन सर्वे को स्थगित करने और स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध करते हुए 21 सूत्री मांगों को लेकर डीएम ऑफिस पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। यह विरोध प्रदर्शन सीपीआई के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान, विधायक रामरतन सिंह समेत 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता शामिल थे। शहर के जीडी कॉलेज से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुलूस के साथ डीएम ऑफिस पहुंचकर घेराव किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लूट का अड्डा बन गया है, गरीब लोगों के घरों में जाकर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर ठोक दिया जा रहा है, इसका लोगों ने विरोध किया है। बिहार में जमीन सर्वे को अविलंब बंद किया जाए, खतियान कैथी में उपलब्ध है, लोगों को आसानी से कागजात उपलब्ध नहीं हो रही है, मार काट की स्थिति बनी हुई है। जिले में जो बाढ़ और सुखाड़ की गंभीर स्थिति है उसको लेकर और उसके साथ 21 सूत्री मांगे थी और उसमें हम लोगों ने किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सवालों को हमने शामिल किया है। मुख्य 4-5 सवाल की ओर हम आप सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमारे जिले का ही प्रमुख सवाल है वह काबर के किसानों की समस्या। बहुत दिनों से यह समस्या है, हम लोगों ने मांग की है कि आप किसानों की जो जमीन है उसको आप वापस कीजिए। आपने जो खरीद बिक्री पर रोक लगाई है उस रोक को हटाइए। हमारा बेगूसराय दिनकर विश्वविद्यालय का औचित्य यहाँ है कि दरभंगा में अपने हवाई अड्डा दे दिया, वहाँ कोई रिफाइनरी जैसा उद्योग नहीं है। आप निश्चित तौर पर हवाई अड्डा का निर्माण शुरू करें। बीते मेहनत हमारे तमाम नेताओं ने क्या दोहरा देते हैं, यह अभी जो योजना है यह लोकप्रिय नहीं है, शोषण दोहन का शिकार है और इसमें तो आप बदनाम हो चुके हैं। आपका एक आईएएस पदाधिकारी इस घोटाला में शामिल है, जो प्रीपेड कंपनी चलाने वाले लोग हैं ये भारी भ्रष्ट हैं और गांव में देहातों में गरीब लोगों से आप इस प्रकार जो अवैध वसूली करना चाहते हैं आप इसको बंद कीजिए और निश्चित तौर पर आपको लगाना है तो आप निःशुल्क दीजिए। आप पैसा प्रीपेड मैंने क्या हुआ, फ्री मैंने पहले, पेड मैंने भुगतान कर दीजिए, नहीं तो प्रीपेड मैंने भुगतान कर दीजिए। और हमने इसकी भी आलोचना की, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुफ्त सूर्य योजना, गजब हालचाल है, सूर्य भगवान की रोशनी प्रकाश मुफ्त मिलता है। आप कहना चाहते हैं कि हमारा सोलर लाइट खरीदिए, वो भी एक प्राइवेट कंपनी चलाता है। ये कंपनियों का ये घोटाला बाज सरकार है, जो कॉरपोरेट घराना है सब एक का को कंपनी बना लिया है। रोड की अलग कंपनी, स्वास्थ्य की अलग कंपनी, बिजली की अलग कंपनी। इसीलिए हमने विरोध किया है कि पहले से जो बिजली की व्यवस्था है उसमें भी भ्रष्टाचार। आप सोलर लगाइए लेकिन आप मुफ्त दीजिए। आप 2.5 लाख में कहते हैं सोलर लीजिए, कहाँ से गरीब लोग 2.5 लाख में सोलर लगाए। जमीन सर्वे को अभी सरकार स्थगित करे, चूंकि कागजात नहीं है उपलब्ध गरीब किसानों के पास। बाप दादे के किसान परिवार के जो लोग थे कैथी में उस समय रजिस्ट्री होती, उर्दू में रजिस्ट्री होती, पढ़ने वाला कोई नहीं। ये खतियान जो यहाँ एनडीसी कार्यालय में है पन्ना पन्ना उड़ा हुआ है। ये नया खतियान जब तक तैयार नहीं हो जाता है और जो जहाँ है जिस पर शांति पूर्वक दखल कब्जा है आप उसकी मान्यता दीजिए। कागज का घोड़ा मत दौड़ाइए, परेशान मत कीजिए। चाहे गैर मजरुआ आम में लोग बसे हैं, गैर मजरुआ खास में लोग बसे हैं या खतियान वाले बसे हैं, आप उनके दखल कब्जा को बरकरार रखिए और अभी तत्काल उसको स्थगित कीजिए।